नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव नजदीक है, अब ऐसे में माना जा रहा है कि यूपी के जो सियासी समीकरण है वो किस तरफ जाते हुए नजर आएंगे। आप देखेंगे अखिलेश यादव भाजपा और आप इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन तमाम छोटे छोटे दल ओवैसी की पार्टी देख लीजिए, अपना दल कमेरावादी अनुप्रिया पटेल, ऐसे तमाम छोटे छोटे दल है जो कहीं ना कहीं ये सत्ता पलटने की ताकत रखते हैं। वहीं आपको बता दें ये यूपी का जो पूरी सियासत है, 80 लोकसभा सीटें हैं, पहले चरण का मतदान भी हो चुका है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कौन परचम गाड़ सकता है, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है लोगों के मन में है कि इस बार बीजेपी अपना परचम फिर से लहराती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से आप देख लीजिए मायावती, चंद्रशेखर आजाद तमाम नेता एक्टिव है, और इसके पहले मायावती आप देखेंगे यूपी की राजनीति में इतनी सक्रिय नहीं थी, लेकिन जिस हिसाब से अब वो जनसभाएं करती हुई नजर आ रही है, रैलियां करती हुई दिखाई दे रही है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपनी सीटों में इजाफा जरूर करेंगी, और इसका जो घाटा होने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। क्योंकि आप देखिए भारतीय जनता पार्टी इस बार जो उसका मुद्दा था वो अयोध्या का राम मंदिर, उसके हिसाब से वो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी, लेकिन इस बार जो वोटों का प्रतिशत है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। लोग अपने काम में इतना बिजी हैं या फिर उनका राजनीति से मोह भंग हो रहा है, क्या कारण है जिसकी वजह से अब सारे वोटर्स या सारी पार्टियां चिंतित दिखाई दे रही है कि किस तरीके से इनको इंक्रीज किया जाए या मोटिवेट किया जाए जिससे ये आने वाले चुनाव में जो दूसरे चरण का चुनाव होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा वोटों की भागीदारी हो सके। लेकिन अब जो चुनाव का समीकरण बन रहा है, जिस तरीके से पूरी पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं, लगातार एक पार्टी के ऊपर निशाना साध रही है, ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में है, लेकिन वही अब अखिलेश यादव और मायावती भी इस आप देखेंगे चुनावी रण में कूद पड़ी है। मायावती पूरा समीकरण बनाते हुए नजर आ रही हैं। आप देखिए जिस तरीके से उन्होंने अपनी सीट पर उम्मीदवारों और प्रत्याशियों का चयन किया है, ऐसे में माना जा रहा है कि मायावती ये पूरा सियासी दांव खेल रही हैं। ऐसे में उन्होंने आप देखेंगे 13% जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं उन्होंने सब मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा है। वही भाजपा ने पूरे आप सीटों की बात करें तो केवल एक या दो प्रत्याशी को है। आप इस बार देखेंगे अखिलेश यादव जो पीडीए की राजनीति करते हुए नजर आते हैं वो भी इस बार मुस्लिम चेहरों को कम मौका देते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन मायावती ने जो ये मुस्लिम कार्ड चला है, ऐसे में माना जा रहा है कि ये पूरा समीकरण बिगड़ सकता है और मायावती अब इस बार फिर बाजी मार सकती हैं। आप वही 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि मायावती को उस बार 10 सीटें मिली थी, वहीं अखिलेश यादव जो उनके साथ गठबंधन में थे उनको 5 सीटें मिली थी। तो ऐसे में फिर से क्या वही पूरा सिनेरियो देखने को मिल सकता है? मायावती जिस तरीके से 2019 में कुछ कमाल करती हुई नजर आई थी, फिर भी वो गठबंधन में थी, इस बार उन्होंने गठबंधन तोड़कर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि मायावती इस बार भी कुछ अलग करके हुए दिखाई दे सकती हैं। लेकिन आने वाले चुनाव में ऐसा क्या होगा, क्या यूपी का पूरा सियासी समीकरण होगा, किस तरीके से वोटिंग प्रक्रिया चलेगी या फिर जो वोटिंग हो रही है वो किस तरीके की होगी, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। फिलहाल इन सब चीजों पर आपकी क्या राय बनती है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।